प्रणाम। ये हमारी छोटी महारानी तिरुमलम्मा। हम भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं, इसलिए महाराज की प्रिय हैं। महाराज बताइए इनको। जी जी, सत्य कह रही है महारानी तिरुमलम्मा, व्यंजन अत्यंत विशेष और स्वादिष्ट बनाती है और हम उसे बड़े चाव से ग्रहण भी करते हैं। लिखिए, ये भी लिखिए। और ये भी लिखिए कि हम महाराज के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं, इसीलिए महाराज उन्हें चाव से खाते हैं। ये भी अतीत के पन्नों में दर्ज हो गया। और हाँ, ये भी लिखिए कि महाराज भोजन के स्थान के समीप फूलदान भी रखते हैं। फूलदान? नहीं नहीं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे मत लिखिए आप। आप भोजन में क्या है आज? आज दम आलू, छोले, पूरी, राजमा, चावल, हलवा, खीर। अद्भुत अद्भुत, हम खाएंगे। ये सब तो पेश महोदय के लिए बनाया है महाराज, आपके लिए तो हमारे विशेष व्यंजन। क्यों क्यों क्यों, ऐसा क्यों कि अतिथि महोदय साधारण भोजन करे और हम विशेष व्यंजन खाएं? हम भी वही खाएंगे जो अतिथि महोदय खाएंगे। महाराज, अतिथि देवो भव, ये हम मानते हैं, अतिथि देवो भव, जो ये खाएंगे वही भोजन हम भी ग्रहण करेंगे। पेश महोदय तो विदेश से आए हैं, उनके लिए तो हमारे सामान्य भारतीय भोजन ही विशेष व्यंजन है। ओह, ऐसी अच्छी सुगंध, हम नोट्स बाद में करेगा, पहले हम भोजन ग्रहण करेगा। महाराज, हम स्वयं आपको अपने हाथों से भोजन ग्रहण कराएंगे, चलिए। और हम महाराज की भोजन करते हुए आरती उतारेंगे। खाइए। खाते हम खाते। जाइए अतिथि महोदय के लिए और मिष्ठान लेकर आइए, जाइए। हाँ, अत्यंत स्वादिष्ट। महाराज, आपने संपूर्ण भोजन ग्रहण कर लिया? जी। इतना स्वादिष्ट लगा आपको भोजन? जी। महाराज, रसोई घर में और भी भोजन है, हम अभी लेकर आते हैं। नहीं। The food was too good, too delicious. गुड़ चाहिए आपको? भोजन बहुत कच्चा है, कच्चा। कच्चा है? हाँ? हमने तो इतने अच्छे से पकाया था। अच्छा है, अच्छा कहने का। अच्छा अच्छा है। फिर तो हम पेश महोदय को ना अपने हाथों का विशेष व्यंजन चखाएंगे। हम भी चखना मांगता है। नहीं नहीं महारानी तिरुमलम्बा, हमारे अतिथि को विलंब हो रहा है, पुनः जब पधारेंगे तब चखा दीजिएगा। अभी ने जाना है महामंत्री तिमरसु के पास, उनके आवास जाना है, आपको विलंब हो रहा होगा, आपको जाना चाहिए। The food was very good, खाना बहुत अच्छा था, अच्छा मजा आ गया। पेश महोदय, हम ना आपको अपने हाथों का विशेष व्यंजन बांध के दे देते हैं, आप उसे घर ले जाइएगा, जब घर पहुंच जाएंगे ना उसके पश्चात खा लीजिएगा। सिपाही, हमारे अतिथि को महामंत्री तिमारुसु के आवास ले जाइए आप। अद्भुत प्रदर्शन रहा आप दोनों का आज। प्रणाम महामंत्री जी। प्रणाम प्रणाम। अब हम आपका साक्षात्कार लेगा तो लीजिए। पहले अपना पेट तो फोड़िए। तो फोड़िए क्यों? पेट अंदर खड़के खड़ा है, हमारा उत्तर कैसे देगा? पेट फोड़िए। जी जी आइए। आप विजयनगर का महामंत्री हैं, हमको विजयनगर की सेना के बारे में बताओ। पूछिए, आप क्या ज्ञात करने के अभिलाषी हैं? विजयनगर की सेना में कुल कितने एलिफेंट है? ये क्या होता है? आपके पास कितने साथी हैं? साथी
अरे भाई सभी सैनिक तो हमारे साथी हैं। नहीं नहीं नॉट सैनिक साथी, वो जो आपकी तरह मोटा है, लंबी नाक होती है, जब वो चलता है ऐसा लगता है पूरी धरती हिल रही हो, यू नो एलिफेंट एलिफेंट हाथी हाथी यस यस। हमारे विजयनगर राज्य में कुल 1500 हाथी हैं। और हाँ एक बात सुन लीजिए, हम कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है जो अर्थात ये ओके माय मिस्टेक। तो मंत्री जी बिठाइए, उनमें कितने हाथी माँ बनने वाली है? माँ बनने वाली है? जब तक हम वापस जाएगा माँ बनकर हाथी तुम्हारा गिनती को बढ़ाएगा, संख्या बढ़ जाएगा ना, हमको सुनिश्चित करना मांगता है सही संख्या। हमारा लोग हम पर विश्वास करता, इसलिए लेख में सही अंक होना चाहिए, अंडरस्टैंड? अवश्य अवश्य, हम पता करके बताते हैं। आपके पास कितनी घुड़कुंभार सेना है? घुड़सवार पेश महोदय, घुड़सवार अर्थात जो घोड़े पर बैठकर चलते हैं। ओके माय मिस्टेक। घुड़सवार तो आपकी सेना तलवार लेकर चलती है और घुड़सवार घोड़े पर रहते हैं, तो फिर आपके घुड़सवार सेना चलती क्यों है? पेश महोदय, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि वो घोड़े पर बैठकर ही चलते हैं। बुरा मत मानना, हमको सब कुछ सही सही लिखना होता है। अरे नगर कोतवाल जी, मंत्रीवर आई। ये हमारे विजयनगर राज्य के नगर कोतवाल है। बैठिए। इन्हें अपने कार्य के अलावा बाकी सभी विषयों का संपूर्ण ज्ञान है। क्या है, आप इनसे प्रश्न पूछिए, ये आपको अवश्य उत्तर देंगे। हमें किसी महत्वपूर्ण कार्य हेतु जाना है तो हमें आज्ञा दीजिए। मंत्रीवर, पेश महोदय, मेरा नाम लिखा क्या? मेरी धर्म पत्नी और नौनो बच्चे हैं, उनका नाम अवश्य आना चाहिए। नाम बताऊं? नाम बाद में लिखेगा, पहले ये बताओ विजयनगर में टोटल कितने बंदर हैं? बंदर? गुरुवर क्या हुआ आपको? हमारे गुरु जी गिरे हुए। अरे मूर्खो, सदामनी देवी, हमारे गुरुजी बैठने जा रहे थे, गुरु माता ने आसन खींच लिया, गुरुजी गिर गए, पीठ में मोच आ गई। दुष्ट, मोच आ गई थी, ठीक हो गई। अब देखो सदामनी, एक तो हमें मोच आ गई थी, दूसरा इन दुष्टों के कारण हमें भूमि पर बैठना पड़ा। ये क्षमा कर दीजिए। आगे कौन आगे? इस मौते इस महोदय के सामने मांगना मत, उचित व्यवहार करना। मान सम्मान का प्रश्न है गुरुजी हमारे। धनीचार्य मनीचार्य मेरे बच्चों, तुम ओम का उच्चारण ठीक से नहीं कर रहे हो। ओम का उच्चारण सबसे बड़ा मूल मंत्र है। देखो ओम का उच्चारण सही किया करो। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। अरे पेश महोदय, आप यहाँ कैसे? ये कोठा हमको उड़ाया। अरे पेश महोदय ने पूछा था विजयनगर में कितने बंदर हैं, तो मैं इनको यहाँ ले आया। ये कैसी बातें कर रहे हैं कोतवाल जी, हम आपको बंदर देखते हैं और हमारे गुरुजी को देखिए, ये क्या बंदरों के गुरुजी हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मैं इन्हें सौदामिनी जी से मिलवाने लाया हूँ। वही तो है जो जंगल में विचरण करती रहती है पशु पक्षियों से नृत्य सीखने के लिए, तो मुझे लगा कि सौदामिनी जी को अच्छी तरह ज्ञात होगा कि विजयनगर में कितने बंदर हैं। ये महोदय कौन है? ये हम बताते हैं। सौदामिनी जी, ये पेश महोदय हैं, पुर्तगाल से आए हैं लेख लिखने, यहाँ के निवासियों और राज्य की समृद्धि के विषय में। आइए आइए बैठिए। आप भी पधारिए ना। पेश महोदय जी, हम विजयनगर की प्रसिद्ध राज नर्तकी हैं। अच्छा, आप क्या काटती हैं? काटती नहीं है, नर्तकी। वाओ डांसर, बिना कला को सम्मिलित किए हमारा लेख अधूरा होगा। हम अभी आपको अपना नृत्य दिखाते हैं, आप ना हमारे विषय में अवश्य लिखिएगा। हाँ हम भी प्रसिद्ध हो जाएंगे समस्त विश्व में। हाँ हाँ दिखाओ, हम लेख बनाएगा, पर इन सब को बाहर भेज दो, हमें लिखने में मगन होगा। क्या होगा? विघन कह रहे हैं, विघन।
हमको अकेला रहना मांगता है। गुरुवर, धनीमणि जी, जी, कोतवाल जी, कृपया आप सब यहाँ से पधारिए। अरे सुना नहीं, आपसे कह रही है जाइए। गुरुवर, हम आपसे भी जाने के लिए कह रहे हैं। प्रिय, आप हमें अपने घर से निकाल रही हैं? गुरुजी, प्लीज महोदय बैठे, इनके सामने सौदामिनी देवी को प्रिय तो मत कहिए, नहीं तो ये भी लेख में लिख देंगे। सौदामिनी जी, आप हमें अपने घर से जाने का आग्रह कर रही हैं? हाँ गुरुवर, हम आपको भी घर से निकलने के लिए कह रहे हैं। वो क्या है, हमें पेश महोदय को अपना नृत्य करके जो दिखाना है। हाँ ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आइए आचार्य। तकदीम ताम प्रिट तकदीम तकदीम ताम प्रिट तकदीम गुरुवर। कौन है? पंडित रामकृष्ण, क्या चल रहा है, अंदर क्या झांक रहे हैं, मुझे भी देखने दीजिए। अरे पंडित रामकृष्ण, पेश महोदय सुदामिनी के नृत्य पे लेख लिख रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, किंतु आप सब बाहर क्यों खड़े हैं? हमारे गुरुजी को ना सौदामिनी देवी ने अपने घर से ही निकाल दिया। अरे हमें क्यों, सबको निकाला। गुरुवर को भी? हाँ। सौदामिनी देवी ने गुरुवर को भी निकाल दिया। पंडित रामकृष्ण, हम अत्यंत चिंतित हैं, परिहास मत करो। क्या सौदामिनी, सौदामिनी, सौदामिनी से हमारा क्या संबंध? कोई संबंध नहीं, शिष्या है हमारी बस। लगता तो नहीं गुरुवर कि वो आपकी शिष्या है, आपको घर से भी बाहर निकाल दिया, आपका सम्मान भी नहीं किया, पेश महोदय के अंदर जाते ही आप बाहर। देखो 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 पंडित रामकृष्णा, ये जो पेश महोदय हैं तुम्हारे निवास पर आने वाले हैं, संभलो और संभालो, आप पर लेख लिखने वाले हैं ये, जाइए अपने निवास पर जाइए, जाके अपनी अम्मा और शारदा को सूचित कीजिए, हम जानते हैं वो क्या करती हैं आपके साथ, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो आपके सम्मान की कथा कहीं सात समुंदर पार पुर्तगाल न पहुंच जाए। उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप भी अपने निवास स्थान जाइए, यहाँ अब आपका कोई कार्य नहीं। आप भी जाइए। हाँ तो आप भी जाइए। हम नहीं आएंगे। मैं जा रहा हूँ। जाइए। सुन रामा, ये पेश ने तो गुरुवर और सौदामिनी को अलग कर दिया, लगता है हमारे निवास पर भी कुछ भूकंप लाएगा। हाँ बंधु, पता नहीं ये आएगा तो क्या करेगा। हमारे घर में तो वैसे ही तेरी दुर्दशा होती रहती है, पेश महोदय के समक्ष कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरे विश्व में तेरी दुर्दशा हो जाएगी। अब तो माँ ही रक्षा करेंगी, चल चल कर देखते हैं। गुरुजी, अब आप क्या करेंगे? अब हम ऐसा कार्य करेंगे कि दरबार में महाराज केवल और केवल हमारी प्रशंसा करेंगे, किसी और की नहीं। और इन पेश महोदय की पुस्तिका में सर्वप्रथम हमारा ही नाम अंकित होगा, और वो भी स्वर्ण अक्षरों में। गुरुजी के दिमाग में कुछ ना कुछ तो विध्वंसकारी चल रहा है, कोई ना कोई खेल खेलने वाले हैं हमारे गुरुजी। सत्य वचन। शालदा अम्मा, पेश महोदय पधारे। सोला एकम सोला, सोला दुनी बत्ती, सोला एकम सोला, सोला दुनी बत्तीस। रामा, रामा कहाँ है? रामा अंदर सो रहा है। अब अभी बुला के लाते। सोला एकम सोला, सोला दुई बत्तीस। रामनाथ, उठिए ना, आपसे भेंट करने कोई आया है। और करो ना, अच्छा लग रहा है। जाइए। और करो ना। उठिए ना। और करो ना। उठते हैं या अम्मा को बुलाएं? कौन आया है? प्राणनाथ, आपसे भेंट करने पेश महोदय आए हैं, चलिए शीघ्र चलिए। अच्छा,
तुम चलो ना, मैं अभी आता हूँ मेरी प्राणेश्वरी। अच्छा शीघ्र आइए। बेस महोदय आने दो, बेस महोदय को आने दो। क्या सोच रहे हैं, यही तो है पंडित रामकृष्ण का घर, अंदर चलिए ना। हमें यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद, तुम जाओ। परंतु पेस महोदय, यदि भीतर आपको किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ गई तो कौन ला के देगा? गुरुजी ने कहा है कि हम आपके साथ उपस्थित रहें आपकी सेवा के लिए। हमें तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए, आप दोनों प्रस्थान कीजिए। अभी हम अपने लेख में लिखता है फिर तुम दोनों खिचने 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 उदंड हो। अरे जाओ नहीं, उदंड लिख देंगी। कृपया ऐसा मत कीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए पेश महोदय। हम जाते जाते अच्छा लेख लिखना। चल 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 धनी। पेश महोदय आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ। तुम भी जाओ। मैं भी जाऊँ? यस गो, जाओ। ठीक है जाता हूँ। गुरुवर, आपकी पेश महोदय से भेंट कैसी रही? अति उत्तम, अद्भुत व्यक्ति है पेश महोदय। हमारे अंदर विद्यमान समस्त शक्तियों के विषय में पूर्व से अवगत थे। उन्होंने हमारे संबंध में इतना विस्तार में लिखा कि हमें उन्हें रोकना पड़ा। कि देखिए पेश महोदय, हमारे अंदर तो इतनी विशेषताएं हैं कि लिखते लिखते आपका संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाएगा, अनेकों अनेक पुस्तिकाएं समाप्त हो जाएंगी, परंतु हमारी विशेषताएं समाप्त नहीं होंगी। हमने उन्हें समझाया कि विजयनगर में और भी प्रतिभावान लोग हैं, उनके संबंध में लिखिए। धन्यवाद गुरु। महाराज हम कुछ सोच रहे थे। आप क्या सोच रहे थे गुरु? देखिए महाराज, पेश महोदय विजयनगर के संबंध में जो भी लिखेंगे वो विजयनगर की कीर्ति में चार चांद लगाएगा। अवश्य। और विजयनगर के शत्रुओं को सबक सिखाने का ये अत्यंत अच्छा अवसर है महाराज। वो कैसे गुरुवर? देखिए महाराज, पेश महोदय से आपकी भेंट तो हो चुकी है, उन्होंने आपके पारिवारिक जीवन के संबंध में लिखा, आपके राज्य के कुशल संचालन के संबंध में लिखा, परंतु एक विषय में लिखना शेष है महाराज। कौन सा विषय गुरुवर, विस्तार पूर्वक बताइए हमें। आपके शौर्य के विषय में। जी महाराज, अब पेश महोदय विजयनगर आ ही गए हैं तो विजयनगर की शक्ति और विजयनगर के महान महाराज श्री कृष्णदेव राय के संबंध में लिखना भी तो आवश्यक बनता है महाराज। महाराज हमने पेश महोदय को हमारे विजयनगर की सैन्य शक्ति के बारे में बता दिया है, यहाँ के हाथी घुड़सवार सभी के संदर्भ में। महामंत्री जी, आप महाराज की गणना हाथी घोड़ों में कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए सेना देखना और सैन्य प्रदर्शन दो भिन्न भिन्न बातें। तो आप चाहते क्या है गुरुवर? कि पेश महोदय की पुस्तिका में अंकित होने के लिए महाराज युद्ध करें? युद्ध नहीं महाराज, युद्ध नहीं, युद्धाभ्यास। क्या? वो भी दूसरे राज्य की सेना के साथ होगा ये युद्ध अभ्यास महाराज, परंतु पेश महोदय को लगना चाहिए कि दोनों राज्यों में वास्तविकता में युद्ध छिड़ गया है। इससे विजयनगर की सेना की शक्ति के बारे में और महाराज की शूरवीरता के बारे में वो विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेगी। देखिए महाराज, हम तो आपके शुभचिंतक हैं, हम चाहते हैं कि आपकी कीर्ति और आपकी शूरवीरता भारतवर्ष तक नहीं अपितु सात समंदर पार विदेशों में भी फैले। हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं गुरुवर,